फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो। आज का टॉपिक है ब्लूटूथ प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है नोकिया का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। एंड सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको एडवांस का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तब आपका ऑप्शन आएगा रीसेट ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एंड और इसके बाद आपके यहाँ देखिएगा रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ, आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना है। जो आपने स्क्रीन लॉक लगा रखे उसे ड्रॉ कर लेंगे। एंड इसके बाद आपका रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर देना और आपका रीसेट हो जाता है। और इसे रीसेट करने से आपका जो नेटवर्क रीसेट हुआ है वैसे, एंड इसे रीसेट करने से आपके फ़ोन में जो भी होता है इंटरनेट से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाता है। ब्लूटूथ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो और मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम, तो फ्रेंड्स वो आपका सॉल्व हो जाता है रीसेट करने से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया किस प्रकार से ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।